महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंगना विधानसभा अंतर्गत आने वाली वाड़ी और वाना डोंगरी टोल ठेकेदार को मनसी की ओर से अवैध वसूली और आर्थिक फर्जीवाड़ा बंद करने के बारे में स्थानिक जनता को टोल माफी का दिलासा देने के लिए और उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित टोल ठेकेदार को मनसी की ओर से चेतावनी दी गई है। पिछले 15 वर्ष से हिंगना MIDC क्षेत्र में अवैध तरीके से टोल वसूली का गोरख धंधा चालू है। वाना डोंगरी और वाड़ी टोल में किसी भी प्रकार का वाहन धारक के लिए और राहगीरों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है। 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर नहीं, विश्राम गृह नहीं, शुद्ध पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं। हिंगना और वाड़ी का मुख्य रास्ता खराब है, फिर भी स्थानिक नागरिकों से और अन्य वाहन धारकों से बड़े पैमाने में टोल वसूला जा रहा है। एक गंभीर विषय पर मनसे की ओर से टोल ठेकेदार को लिखित स्वरूप में और मौखिक स्वरूप में निवेदन के माध्यम से चेताया गया और कठोर शब्दों में वाहन धारकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को अभाव की पूर्ति करने को कहा गया और प्रत्येक स्थानिक वाहन धारकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाना चाहिए और टोल में दिलासा देना चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन का इशारा मनसे की ओर से टोल ठेकेदार को दिया गया है। इस प्रसंग में राज्य सरचिटनेस हेमंत गडकरी के मार्गदर्शन में योगेश चनापे, उप जिला अध्यक्ष नागपुर ग्रामीण महेश साहू, वाहतुक सेना चिटनेस नागपुर ग्रामीण हिंगना उमेश वासुलकर, रोशन वडूले, राजेश अड़ाऊ, सोपन टिकार, शालिक चौधरी, भावराव किरेपुंजे, चांगदेव टिकार, नीलेश्वर भोयर, रेखचंद मेशराम, साबिर शेख, जावेद शेख, दीपक तनमने, नरेंद्र मानवटकर, शुभम कलंबे, रवि समुद्र, धनराज ठाकरे, अमर खंडाल, अश्विन कोडापे, अरविंद फूसे, राहुल ठाकरे, बंटी घोड़े, राजू गवली, सचिन वाघमोड़े, विनोद आवारी, विजय कामटे, मनीष डहाके, राहुल चोपड़े, सिद्धार्थ गोरखेड़े, कैलाश भालेराव, अशोक सूटे, मोहन राठौर, विशाल कोठाड़े, फिरोज शेख का समावेश है। सर उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि हमने तो गलतफहमी वो गलतफहमी मतलब जो भी है आप पूरा इंक्वायरी लेके निकाल सकते हैं। तो जो एक ही टोल नहीं है, 5 टोल है आजू बाजू, ठीक है, वो लोग प्रॉपर हिंगना के तो हिंगना के बारे में ये 5 टोल है। 5 टोल कहाँ कहाँ पर है? ये हिंगना है, दाबा, वाड़ी, खाटो रोड और उम रोड। आज महाराष्ट्र वापस से निकलते हैं हिंगना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या MSRDC च्या टोलला एक पक्षातर्फे निवेदन देण्यात आलं आहे। या ठिकाणी आमच्या वाहतूक वर्गाकडनं एक कंप्लेंट आला होता तर बळजबरीने इथं टोल वसुल्या करतायत स्थानिक लोकांकडनं, जे बेकायदेशीररित्या आहे, जे अनेक दिवसपणे हे लोक टोल वसुली करत होते, त्यासाठी स्थानिक लोकांना टोल लागू नये यासाठी आम्ही इथं यांना निवेदनाच्या माध्यमातून सांगितलं आहे। आणि असंही यांच्याकडनं आश्वासन मिळालं आम्ही स्थानिक लोकांना काही सूट देणार आहोत, आम्हाला सूट नको आहे, आम्हाला स्थानिक लोकांना पूर्णपणे मोफत टोल व्हायला पाहिजे, अन्यथा आम्ही बेकायदेशीररित्या जे इथं चालू आहे यायचं हे बंद करू कायमचं, नाहीतर आंदोलन तीव्र आंदोलन करू पक्षातर्फे, असं यांना आम्ही स्पष्ट भूमिका आमची मांडली आहे। वाहतूकदारांना इथल्या स्थानिक काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांद्वारे गैरवर्तणूक केली जाते टोलवर, यांच्या टोलवर कोणत्याच प्रकारच्या सुखसुविधा नाही, रोड फुटलेले आहेत, तिथं ॲम्ब्युलन्स नाही आहे, डॉक्टर नाही। हमें बोला है कि हमने जो ठेका लिया है टोल वसूली का, ये हमने MSRDC से लिया है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आप इनसे जाके ये सवाल पूछिए कि आपने क्या क्या सुख सुविधाएं दी और जल्दी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हम MSRDC के अधिकारियों को इसके बारे में सवाल पूछेंगे कि आपने जो ये अनधिकृत टोल वसूली यहाँ पे चलाई है गैरकानूनी, ये जो ग्रामीण में आपकी जो गैरकानूनी टोल वसूली चल रही है, कि किसके माध्यम पूर्णतः अर्थहीनता, पूर्णतः आधारहीनता, उनको कोई भी हक नहीं टोल वसूली करने का। जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्कुलर के माध्यम से इस टोल वसूली के कंत्राट स्थानीय कंत्राटदारों को दिए जाते टोल वसूली, तो उसको कुछ नियम के अधीनस्थ रह के ये काम करना पड़ता है। और कोई भी MSRDC ने जो नियम इन टोल ठेकेदारों के लिए, टोल वसूली के ठेकेदारों के लिए जो बना है, इसमें से किसी भी नियम की पूर्तता इन ठेकेदारों के माध्यम से हो नहीं रही है। और जल्दी जो नियम में बैठ के जो टोल वसूली इनके तरफ से हो रही है या फिर नियम बाह्य जो टोल वसूली इनकी तरफ से हो रही है, वो हम जल्दी उसका भांडाफोड़ करेंगे और इनको यहाँ से जो अनधिकृत इनका जो कार्यवाही चल रही है पूरे नागपुर ग्रामीण में, जो गरीब वाहतूकदारों से जो टोल वसूली चल रही है, हम पूर्णतः रोकेंगे।
एनबीसी न्यूज के लिए हिंगना से कैमरामैन अजीत कुंवर के साथ आशीष गुंडानी की रिपोर्ट।